छपिया पंचायत के वार्ड नंबर 2 की नल जल योजना हुई पूरी तरह से धराशायी। खबर सिवान जिले के हुसैनगंज प्रखंड क्षेत्र के छपिया पंचायत के वार्ड नंबर 2 की यह तस्वीर है। आपको बता दें कि आज सुबह आई आंधी पानी और बारिश के बाद नल जल योजना पूरी तरह से धराशायी हो गई। दोनों टंकियां टूटकर नीचे गिर गई व कई टुकड़ों में बट गई, वहीं करकट खेतों में मिले। आपको बता दें कि लगभग 15.5 लाख की लागत से बना यह नल जल योजना पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। पिछले बार भी नल जल योजना का टंकी पूरी तरह से टूट चुका था, जिसके बाद पुनः नई टंकी लगाई गई थी, लेकिन बारिश के बाद आज पूरा टूट गया। टंकी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, यहाँ तक कि उस पर लगे करकट खेतों में मिले। दूर दूर खेतों में टंकी के करकट पड़े हैं। हालांकि सरकार के द्वारा इस पर कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। आखिर जनप्रतिनिधियों की मनमानी कब तक चलेगी? कब तक जनप्रतिनिधि नल जल योजना में धांधली करते रहेंगे और सरकार मूकदर्शक बनी रहेंगी? आपको बता दें कि बिहार में ऐसे कई पंचायत हैं जहां नल जल योजना पूरी तरह से अधूरी है। हुसैनगंज प्रखंड क्षेत्र के भी कई पंचायत और वार्ड हैं जिसमें आज तक एक बूंद पानी भी लोगों को नसीब नहीं हो सका। 2 नंबर के पाइप का प्रयोग किया गया है, इससे यही लगता है कि सरकार अभी चुप है। आखिर नल जल योजना धांधली की कब भरपाई होगी और कब कार्रवाई की जाएगी?